कम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है कि log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू अगर a है एंड log y टू द बेस 3 इज इक्वल टू भी अगर a है, तो हमें 72 टू द पावर a को x एंड y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो इन दो वैल्यूज से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि 2 टू द पावर a इज इक्वल टू x होगा एंड 3 टू द पावर a इज इक्वल टू y होगा। इन दो वैल्यूज को हम यहां पे यूज करेंगे। अब हम आते हैं 72 टू द पावर a को। तो 72 टू द पावर a को हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 टू द पावर a इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 यानी कि 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर टू द पावर a इज इक्वल टू a, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि दोनों के पावर में आ जाएगा। सो 2 क्यूब टू द पावर a इंटू 3 स्क्वायर टू द पावर a हो जाएगा। इसे फर्दर हम आगे बढ़ाएंगे तो आएगा 2 जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3a इंटू 3 टू द पावर 2a। अब हम आते हैं x एंड y का जो वैल्यू हम यहां पे यूज करने वाले हैं। यहां पे हमें 2 टू द पावर a लाना है और 3 टू द पावर a लाना है, तो हम इसे वापस लिख सकते हैं इस तरीके से कि 2 टू द पावर a का होल क्यूब लिख सकते हैं हम इंटू 3 टू द पावर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि हम 2 टू द पावर a एंड 3 टू द पावर a का जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पे यूज कर सकें। इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर a का मतलब है x का क्यूब इंटू 3 टू द पावर a का मतलब है y और ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा x क्यूब y स्क्वायर। तो 72 टू द पावर a को हम लोगों ने x एंड y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है, यही आंसर होगा। थैंक यू।